तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू बाइक वाले बाबा। और अभी आपके स्क्रीन के सामने है होंडा की तरफ से आने वाली DO 125। यार इसमें वेरिएंट कई सारे आते हैं, एक बेस आता है, एक ये 125 सीसी में आ जाता है और तीसरा आता है आपका एच स्मार्ट वाली। लेकिन जो सबसे ज्यादा सेलिंग स्कूटर है ये 125 सीसी वाली है। तो आज की इस वीडियो में एक डिटेल बैकग्राउंड रिव्यू करते हैं कि 2024 में आपको इस स्कूटर में क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्योंकि यार ये जो स्कूटर है सबसे ज्यादा सेलिंग वाली स्कूटर है और बिकती भी सबसे ज्यादा है और इसकी माइलेज भी आपको काफी ज्यादा अच्छी निकाल के दे देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं तो इस स्कूटर की आपको प्राइस शेयर कर दूं, तो 87,900 यानी 87,900 रुपए इसका एक्स शोरूम प्राइस है और ऑन रोड जाती है करीब 1,02,000 के करीब यानी 1,02,000 रुपए। और इस 1,02,000 रुपए में आपको क्या कुछ नया मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इग्निशन को ऑन कर देता हूँ। इग्निशन ऑन करने से पहले मैं आपको की दिखा दूं, तो कुछ इस टाइप से आपको की देखने को मिलेगी। नॉर्मल सी की देखने को मिलती है, दोनों साइड में होंडा की बैजिंग, लेकिन भाई काफी ज्यादा लंबी आपको की देखने को मिलेगी। और की को चलिए करते हैं इंसर्ट। जब यहाँ पे की को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो फ्रंट लुक है कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है। यहाँ पे DRL की विजिबिलिटी ऑन हो जाती है और काफी ज्यादा यूनिक यहाँ पे DRL आपको देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको ब्लैक कलर का वाइजर देखने को मिलेगा, इस साइड में मैरून कलर की बॉडी देखने को मिलेगी, यानी जो फ्रंट लुक है काफी ज्यादा एरोडायनेमिक है, देखने में काफी ज्यादा अच्छा है। इस साइड में देखोगे होंडा मेंशन किया गया है, ये फाइबर में है, बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। ये भी फाइबर में मिलेगा लेकिन इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे देखिए तो ये काफी ज्यादा लाइट मिलते हैं आपको, ये देखिए। उसके बाद इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है इंडिकेटर हाइलोजन वाले, मैं आपको जला के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको हाइलोजन वाले इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है LED सेटअप वाली लाइट जो आपको विजिबल हो रही है। अभी जब आप स्कूटर को ऑन करोगे तो इसकी लाइटिंग जो नीचे वाला हाई बीम लो बीम है वो भी ऑन हो जाता है, लेकिन यार देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग आपको अंदर में देखने को मिल जाएगी। देखने में यार स्कूटर का लुक एक बहुत ज्यादा प्रीमियम सा दिखने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है टेलीस्कोपिक 4 टाइप के सस्पेंशन, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, यानी CBS वाली टेक्नोलॉजी मिलती है। CBS होता क्या है, CBS और IBS में फर्क क्या है, ड्रम ब्रेक में फर्क क्या है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे प्ले करके आप देख सकते हो। दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेंगे। फ्रंट वाला टायर आपको काफी ज्यादा चौड़ा मिलता है 90x90 सेक्शन के, और 12 इंच के यहाँ पे व्हील्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्यूबलेस टायर मिलता है, MRF कंपनी का एक दमदार टायर आपको देखने को मिलेगा। इस साइड में व्हील अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे CBS, मैंने बताया था ना कि CBS कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे मिल रहा है। 130mm का आपको ड्रम ब्रेक मिलता है आगे और पीछे दोनों में, इस साइड में मिलेगा। फ्रंट वाला जो फेंडर है यहाँ पे देखिए, तो ये भाई फाइबर में है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है। होंडा की एक चीज बहुत अच्छी है, वो बिल्ड क्वालिटी पे काफी ज्यादा ध्यान देता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं भैया, बहुत ज्यादा हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस है 171mm का, जो आज तक किसी भी स्कूटर में नहीं आया है। ओनली 150mm तक ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एक एक्टिवा 125 है जिसमें आपको 162mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको काफी ज्यादा हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। साइड स्टैंड भी मिलता है, साइड स्टैंड का ऑप्शन सेंसर भी मिलता है और मेन स्टैंड भी मिलता है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो फूड पैक्स हैं ये फोल्डिंग में दिए गए हैं। एक यहाँ पे देखिए एक स्टिकर आपको मिल जाएगा ESP का, यानी इनहेंस स्मार्ट पावर, यानी इसमें पावर आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। किक स्टार्ट मिलता है, पीछे में आपको यहाँ पे 130mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा, जो टायर मिलेगा आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे 90x100 सेक्शन के टायर मिलेंगे। 10 इंच के व्हील्स मिलते हैं, लेकिन आगे में आपको यहाँ पे देखोगे तो 12 इंच के व्हील्स मिलते हैं। पीछे में आपको स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन मिलेंगे, 3 स्टेप आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। अब इंजन की बात करें तो काफी ज्यादा दमदार होंडा कंपनी ने एक दमदार इंजन इसमें लगा के दिया है। 124 सीसी का इसमें इंजन दिया है, एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर के साथ में, जिसकी जो मैक्स पावर है 8.2 PS की है 6,250 RPM पे, और 10.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 5,000 RPM पे। तो भैया यहाँ पे कुल मिला के बात करें ना तो पावर काफी ज्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। जब आप इस स्कूटर को चलाओगे तो आपको एक पावर फील होगी जो यार आप ही बयां कर सकते हो जब आप इसे चलाओगे। बाकी यहाँ पे देखोगे तो DO 125 लिखा हुआ नजर आएगा। स्प्लिट में आपको ग्रैब हैंडल मिलेंगे दोनों साइड में। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग की यहाँ पे सुविधा आपको देखने को मिल जाती है। अब ये कैसे खुलता है, तो यहाँ पे बटन मिलता है, ये देखिए इसको आपने दबाया, पहले इसको ऐसा करना पड़ेगा, ये आपने दबाया, ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए फ्यूल का जो ढक्कन है ना वो ओपन हो जाता है, आप आराम से बैठे बिठाए सीट पे यहाँ पे फ्यूल आप भरा सकते हो। उसके बाद कर देते हैं भाई इसको बंद और पीछे की टेल लाइट ऑन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको मिलता है बल्ब वाले इंडिकेटर,
और यहाँ पे आपको बल्ब वाले टेल लाइट देखने को मिलेगी। पीछे वाला पोर्शन यार काफी ज्यादा जबरदस्त लगता है, जैसे कि आपको TBS की एंटॉर्क 125 में दिखता है ना, सेम यहाँ पे दिया गया है यार। देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत डिजाइन है, अच्छा भी लगता है देखने में। एग्जॉस्ट देख लेते हैं तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, एलाइबिस मिलते हैं जो इसके लुक को काफी ज्यादा इनहेंस करते हैं, E20 को सपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस साइड से, तो इस साइड से स्कूटर का जो लुक है कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है, काफी ज्यादा प्रीमियम लुक है। यहाँ पे 765 mm का यहाँ पे आपको सीट हाइट देखने को मिलता है। सीट के अंदर स्टोरेज क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, चलिए सीट को ओपन कर लेते हैं। ऐसे किया, ये देखिए सीट ओपन हो गई, और सीट की जो चौड़ाई है यार काफी ज्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हो सीट की कुशन भी ठीक ठाक है। चलिए अंदर की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, तो आप फुल फेस का एक हेलमेट यहाँ पे कैरी कर पाओगे, अगर थोड़े बहुत सामान और है तो वो भी आप कैरी कर पाओगे। तो यहाँ पे कुल मिला के देखो टूल किट यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए ये सब गाड़ी के साथ आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट किट, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट वगैरह पेपर वगैरह भी इसमें आप कैरी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सीट स्टोरेज भी अच्छा देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे कॉम्बिनेशन लॉक है, एक ही चाबी से आप कई सारे काम कर सकते हो। तो भैया ये एक बढ़िया सिस्टम है, ये बटन के बारे में मैंने आपको बता दिया। कैरी हुक मिलता है, जैसे आप कोई भी थैला वगैरह लटकाना चाहो यहाँ लटका सकते हो। यहाँ पे एक पॉकेट मिलता है जो छोटे मोटे सामान रखने के काम आएगा, जैसे कि आप मोबाइल भी रख सकते हो और छोटे मोटे जो भी आपके गैजेट्स हैं वो यहाँ पे कैरी कर पाओगे। उसके बाद मैं बैठ कर दिखा देता हूँ, तो बैठने पे आपका लेग स्पेस कैसा आता है, तो भैया देख लो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और जो राइडिंग होगी कुछ ऐसी पोजिशन में राइडिंग होगी, और यहाँ पे देखिए, तो इस साइड में तो पावर स्टार्ट पावर आपका स्विच मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पास हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, और ये हॉर्न काफी ज्यादा लाउड है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे दो डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए आप, एक तो टॉप स्पीड बताएगा, RPM मीटर बताता है, दूसरा यहाँ पे ट्रिप मीटर वगैरह की डिटेल आप चेकआउट कर पाओगे, और टाइमिंग बताएगा, फ्यूल इंडिकेशन शो करेगा। यहाँ पे बटन मिलता है जिससे ये देखिए रियल टाइम माइलेज रेंज, उसके बाद यहाँ पे किलोमीटर की डिटेल ट्रिप मीटर की डिटेल, ये सारी चीजें आएंगी। और यहाँ पे आपको प्रोग्राम FI की बैजिंग मेंशन देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको RPM मीटर वगैरह यहाँ पे शो होगा, टोटल किलोमीटर की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद इंडिकेटर अगर जलाओगे तो ये देखिए यहाँ पे लाइट विजिबल होगी, समझ गए, यहाँ पे इको मोड वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे आपको शो करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे बात करें जो इस स्कूटर की माइलेज है वो 48 KMPL की है, यानी 48 KMPL की आपको माइलेज देगा, बिल्कुल परफेक्ट माइलेज देता है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। तो कुल मिला के देखा जाए, अगर आप एक बार पेट्रोल भराते हो ना, तो करीब 220 किलोमीटर के आसपास में आप रनिंग कर सकते हो। तो भैया ऐसा स्कूटर सिर्फ होंडा ही आपको दे सकता है, जो बिल्ड क्वालिटी भी देता है और इसके बाद में आपको माइलेज भी अच्छी प्रोवाइड कर देता है। कुल मिला के स्कूटर का लुक मैंने आपको बता दिया कुछ ऐसा है, प्राइजिंग भी मैंने आपसे शेयर कर दी। अगर आप इसको फाइनेंस कराना चाहते हैं तो अगली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। तो कैसी लगी आपको होंडा DO 125? आई होप मैंने इस वीडियो में इस स्कूटर के बारे में सब कुछ कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उस सवाल का आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और हाँ, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो अगली वीडियो मैं फाइनेंस के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जेब में इतने पैसे नहीं होते, भाई मेरे पास भी नहीं है, तो मैं भी कैश में परचेज नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, डाउन पेमेंट क्या लगेगा, EMI कितनी आएगी, उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, और वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप प्ले करके देख पाओगे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और हाँ यार, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, क्योंकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।